ऊर्जा मंत्री जी, हमारे बारे में विस्तार से जो सोलर रूफटॉप संयंत्र है उस पर क्या सरकार की योजना है उसका विवरण दिया है। नंबर एक में सोलर सिंचाई पंप पर सरकार कितना अनुदान दे रही है, कितना केंद्रांश है, कितना राज्यांश है, इसका उल्लेख किया है। दूसरा, प्रोजेक्ट मोड जिला योजना के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर माननीय जनप्रतिनिधि द्वारा ग्राम पंचायतों क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट की जो स्थापना है उस पर राज्य का अनुदान क्या है, उसका मैंने बहुत बारीकी से उल्लेख किया है। तो माननीय सदस्य के जो सवाल हैं उनका मैंने एक दो तीन तीनों में विस्तार से उल्लेख करते हुए राज्य अंशदान कितना है, केंद्र का अंशदान कितना है, बहुत विस्तार से मैंने आपको बताया है। जहाँ तक माननीय सदस्य ने कहा है कि प्रति व्यक्ति ऊर्जा की बात कर रहे हैं, हमारा प्रदेश ऐसा प्रदेश है श्रीमान कि जहाँ पर 1,25,00,000 ऐसे उपभोक्ता थे जो बिजली से दूर थे, जिनके घरों में बिजली थी ही नहीं। तो जब जिनके घरों में बिजली ही नहीं है तो बिजली का कैसे वो उपयोग करेंगे और कैसे उपभोग करेंगे। तो पहले घर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हमने तय किया है, सबके घर बिजली पहुंचा रहे हैं और आज प्रदेश में उजाला है। जहां प्रदेश में पहले अंधेरा होता था आज प्रदेश में उजाला है और धीरे धीरे मांग भी बढ़ रही है। 54% ज़्यादा खपत हमारी प्रदेश में बढ़ी है श्रीमान। पहले गाँव में बिजली आती नहीं थी और अब गाँव से बिजली जाती नहीं है। मैं केवल आपके माध्यम से संरक्षण चाहता हूं कि एक तो इसमें केंद्रांश कितना है, इस बारे में माननीय मंत्री जी के जवाब में कोई जवाब नहीं है। दूसरा, 2017-2018, 2018-2019 और इस वित्तीय वर्ष में कितने लोग इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए, यह मैं समझता हूं कि इसी प्रश्न की सीमा में दो प्रश्न है और इसका कोई जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया। श्रीमान, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति 2017 घोषित की गई है। मैं छोटा करता हूं इसको, बहुत छोटा कर रहा हूं। सौर ऊर्जा नीति के अनुसार निजी भवनों में ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाने हेतु भारत सरकार द्वारा 15,000 प्रति किलोवाट और अधिकतम 30,000 प्रति उपभोक्ता अनुदान निर्धारित किया गया है। स्पष्ट हो गया। नंबर दो, सोलर सिंचाई पंप की स्थापना पर प्रदेश के किसानों को राज्य सरकार द्वारा 2-3 HP और 5 HP पर 45% तथा क्षमता के प्रति अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। दोनों का मैं 30% 40% का उल्लेख मैं कर रहा हूं।